नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सभी का स्वागत है फालतू फोकट गेमर में। और आप देख रहे हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड क्राउन टंड्रा। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने रेजी लेकी को पकड़ा था और ऐसा लग रहा है कि मेरी दो चोटियां हैं, मेरे पीछे खड़ा है वो। बहुत ही ज़बरदस्त पोकेमॉन यार, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पोकेमॉन। और फाइनली मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और ग्रासलैंड का जो फाइनल एविडेंस है वो मिल गया हमें। Go to Frizzington to let Professor Sonia know। और मेरा जो कोल्ड वाला एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे केव वाला एरिया था, जहाँ पे हम लोगों ने रेजी लेकी के लिए गए थे हम लोग उस केव से होकर, तो आप लोग बोल रहे थे कि काफ़ी सारे क्लूज छोड़ दिए ये वो करके। भाई वो मैं बहुत ही देर तक मैं रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा करके, फिर भी इसे बड़ा बन ही जाता है। तो वही है कि मैंने इसलिए क्लूज़ पे ध्यान नहीं दिया और मैंने उसको कैप्चर नहीं किया। लेकिन एक बार जाकर, जैसे कि मैंने अभी ग्रासलैंड का पूरा किया है, उसी तरीके से मैं वहाँ पर जाकर सारे जो क्लूज़ है ना उसको ले लूँगा। पर चलते हैं हमारी प्यारी प्यारी सोनिया के पास। तो अभी सोनिया जो है ऋषभ के साथ खुश नहीं है, तो इसलिए वो हमें हेल्प के लिए गलत घर में घुस गया मैं। अच्छा लगता है मुझे गलत घर में घुसना। मेरे ख्याल से ये वाली है सोनिया। सोनिया मैं आ गया कुल्लू लेके, कुल्लू नहीं क्लू लेके, कुल्लू मतलब का मतलब तो बहुत ही गलत हो जाता है। सी यू, हाउ इज इट गोइंग गैदरिंग एविडेंस अबाउट दैट एविडेंस, वेयर कैन आई फाइंड पोकेमॉन, वांट टू चेक योर प्रोग्रेस। यस, डेटा ऑफ द आयरन विल पोकेमॉन इज एट 12%, डेटा ऑफ द कैवन पोकेमॉन इज 8% एंड ग्रासलैंड पोकेमॉन इज 100%। मैंने सारे 100 जो पर 50 वो एविडेंस ले लिया है मैंने, और इनफ डेटा है जिससे ये पिन पॉइंट कर सकती है उस पोकेमॉन का लोकेशन। सो इफ़ आई फीड ऑल दिस डेटा इनटू माय ट्रस्टी पोकेमॉन फाइंडर, इट्स सर्चिंग फॉर एनर्जी सिग्नेचर्स। ये क्या सुसु कर रही है, एंड इज फाउंड मैचिंग पोकेमॉन। यस, गिव मी मैचिंग पोकेमॉन नाउ। जायंट्स बेड can be found, okay, grassland pokemon can be found in giant's bed, you will finally get to come face to face with the legendary pokemon we have been searching for, legendary pokemon we are searching for, best of luck, okay। to hame ek naye pokemon ka wo mila hai, ek minute ha, where can I find the pokemon, grassland pokemon in giant's bed na, giant's bed mein jana hai hum logo ko aur usme so jana hai। ठीक है, फालतू की बातें मेरे से करवा लो तुम लोग। जायंट्स बेड कौन सा एरिया है, वो पूरा ग्रासलैंड का एरिया है ना। जायंट्स बेड तो हमें यहाँ पे होना पड़ेगा, जहाँ पे शायद वो बुढ़ा बुढ़ेश्वर जो था, बुढ़ेश्वर महाराज, उसका जो ये है वो क्या बोलते हैं, उसके पास, उसी के पास, उसी एरिया पर जाना है। सॉरी, बहुत थका हुआ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ अभी, लगातार एकदम हैक्टिक काम चला है मेरे ऑफिस का और उसके चक्कर में ना मेरी ऐसी तैसी हो गई है। वो तो कहते यहाँ से हो गया कि जब हम लोग, ओ एरोडैक्टिल कितना आएगा, कोई रेयर स्पॉन नहीं है एरोडैक्टिल का। ओके, मैं यहाँ तो आ गया हूँ, मैंने उठे जाना है सुपर पोशन। ओके, यहाँ पे हम नहीं, यहाँ भी नहीं उगाया था हम लोगों ने, नीचे की तरफ उगाया था ना, मुझे कहीं पे वो नहीं दिख रहा यार। और मैं पहचानूंगा कैसे उस पोकेमॉन को। ओके, कौन चिल्ला रहा है बे, ये रेजी लेकिन ना बहुत चिल्लाती है। लेट्स गो ओवर हियर। फ्लोट स्टोन, अच्छा लगता है मुझे फ्लोट करना, फ्लोट स्टोन लगा के यार मुझे बिल्कुल ये कहाँ से आ गया। तो भैया गाइस, मैं आप लोगों को मिलता हूँ, उसको खोज कर, मुझे मिल नहीं रहा है। ओके गाइस, तो मैंने थोड़ा देर तक छान पा रहा लेकिन मुझे मिल नहीं रहा यार। मेरे ख्याल से मैं गलत आ गया हूँ, मुझे शायद नीचे का एरिया जो है ना एक बार छान मारना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ भी तो हो सकता है यार। अरे बस, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे शेड रूट कैरेट हम लोगों ने बोया हुआ था। ओके,
उधर तो शायद दूसरा एरिया चालू हो जाता, जायंट्स फुट जो है वो चालू हो जाता है। शाइनी शाइनी चीज़ें लेने का भाई। ओके मैं खोजे तो जा रहा हूँ यार, बट मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पर भी। ओके ओ ये है क्या? एक मिनट सेव किया जाए। ये लग रहा है मुझे कुछ नया टाइप का, क्योंकि इसको कभी नहीं देखा मैंने, पिछले बार भी नहीं। ओके लेट्स सी गाइस, हम लोग इसको पकड़ सकते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से तो मुझे ना डायरेक्ट कट करके इसको पकड़ने का ही वो दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे आज मैंने काफ़ी सारा चीज़ प्लान किया है इस क्या बोलते हैं इसके लिए। और थंडर केज मार देते हैं इसको पहले से, वही काफ़ी सारा इस चीज़ें प्लान की है मैंने इस वीडियो के लिए, बट लेट्स होप कि अपन कर पाए वो सारी चीज़ें। लूनाला मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्राइक। ओ भाई क्लोज कॉम्बैट नहीं, ऐसी तैसी कर डाली मेरी, क्या ओवर पावर्ड है क्या ये? ये ग्रासलैंड पोकेमॉन है तो ग्रास टाइप ही होगा ना ये। एनीवेज तो अपन निकाल लेते हैं लूनाला को, और मैं इसको पकड़ने के बाद मिलता हूँ आप से। ओ माय गॉड 20 मिनट लगे मुझे इसको कैच करने में। थैंक यू सो मच वेरी जुजू इतना टाइम बर्बाद करने के लिए। ओ अच्छा ग्रास फाइटिंग है ये। ओके मुझे लगा था सिर्फ ग्रास टाइप है ये। हाँ ओके नाइस नाइस टू नो दैट। गाइस मुझे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ना, ये सब पोकेमॉन्स वोकेमॉन्स ना पहली बार देख रहा हूँ, और पहली बार देखने के कारण ना मुझे कुछ पता नहीं रहता। वैसे मैं दूसरी बार पांचवी बार भी देखूंगा ना तो भी मुझे पता नहीं रहेगा। क्लोज कॉम्बैट बहुत यूज़ किया इसने लड़के ने। अरे बस तो अच्छी बात है हम लोगों ने एक तो पकड़ लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले किसका किया जाए, पहले जो कोल्ड वाला एरिया है उसका किया जाए कि देखते हैं जो भी है मैं करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस तो मेरा एक और क्लू जो है आयरन विल पोकेबॉल वाला वो पूरा होने वाला है, और ये हो गया है। इतना एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है पता है, अगर आप कॉर्नर्स मोस्टली कॉर्नर पे बहुत मिल जाता है आपको, फिर उसके बाद जो सामने रहता है वो तो ऐसे ही दिख जाता है। अब हमें बचा है एक लास्ट केव वाला, तो केव वाला ओ शिट केव वाला मैं करके मिलता हूँ, ताकि फिर हम लोग सिर्फ कैच करने का काम जो है ना वो करेंगे। ओके गाइस तो मैंने 96% जो है वो 100% भी हो गया, 98 था क्या वो वाला लास्ट वाला, तो 100% तो मैंने कर लिया है यहाँ पर। तीनों जो था तीन ही थे शायद क्लूज, तो तीनों का मैंने कर लिया। अब हमें सिर्फ हमारी प्यारी सोनिया सिंघानिया के पास जाना है, पेडलर इन। अब पता नहीं कि पता किस तरीके से अपन कैच पाएंगे कर पाएंगे कैसे कैच कर पाएंगे, लेकिन अपन मस्त टाइप से हील वील करेंगे बाद में। अरे बस देखते हैं सोनिया क्या कहती है। दैट पोकेमॉन इज़न्ट दैट ट्रांसलेट पोकेमॉन वेराइज़न। ओ वेराइज़न हाँ मैंने कैच किया था ना, मैं भूल गया था। आई वॉज राइट, आई न्यू इट, आई न्यू माई थ्योरी वॉज राइट। ओ सॉरी प्लीज डोंट माइंड मी, आई जस्ट गॉट अ बिट टू एक्साइटेड देयर। हियर यू डेफिनेटली डिजर्व रिवॉर्ड फॉर शोइंग मी सच अ फाइन लेजेंडरी पोकेमॉन। अरे होशियार छोटा कैंडी तेरी ये लड़की, ऐसा नहीं चलेगा, छोटा वाला अपने को अच्छा नहीं लगता कैंडी। नाउ आई एम सर्टन दैट द अदर टू मस्ट बी हियर इन द क्राउन टंड्रा टू। ओके थैंक यू सो मच, कीप अप द सर्च जियो। ओके तो अभी इसको बोल देते हैं कि भाई अपने पास एविडेंस है और मैंने सारे कर लिए हैं, आयरन विल पोकेमॉन का 100% हो गया है, कैवन पोकेमॉन का 100% हो गया है। ओके अपने को ओके दिस शुड बी इनफ डाटा टू पिन पॉइंट। अच्छा ये फिर से वही नाटक करेगी पिंपी पोपू। ओके मिल गया इसे फ्रिजिट सी। ओके कैवन पोकेमॉन कैन बी फाउंड इन लेक साइड केव। ओके यू फाइनली गॉट एक लेक साइड केव और कैवन सी जो है, ये दो जगह पे अपने को फिजिट सी सॉरी लेक साइड केव कौन सा है भाई, जायंट्स फुट है, रोरिंग सी केव्स है, थ्री पॉइंट है,
एक सेकेंड, टनल ऑन द टॉप है ये। हाँ अच्छा, लेक साइड की है तो यहाँ पे मिलेगा एक, और दूसरा फिजिट सी शायद यहाँ पे है ना। ओके यहाँ मैं जा चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्लूज मुझे उसके मिल गए थे। क्या बोलते हैं, जो आयरन विल पोकेमॉन है उसका ये वाला जो आइलैंड है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे मिले। कम से कम मैंने 60% जो है मेरा यहीं पर कम्प्लीट हो गया था, और कई सारे कछुआ पोकेमॉन्स थे यहाँ पर। तो मे बी क्वाइट पॉसिबल इसी आइलैंड पे मिलेगा, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। और दूसरा जो है मेरे ख्याल से यहाँ पर था ना, लेक साइड केव। तो वही है गाइस, मैं अभी इनको खोजता हूँ और मिलता हूँ ऑल पर उसे। ओके गाइस, तो मैं अभी 3 पॉइंट पास में हूँ, जहाँ पे रेजी इलेकी को हम लोगों ने पकड़ा था। बाहर जाने का रास्ता क्या है, इधर है। ओके यहाँ पर अगर वो वाले आइलैंड पे जाना है तो अपने को, अरे यार कैराकोस्टा काय को आ गया रे। तो भाई वो वाले आइलैंड पे जाने के लिए हमें पानी से होके जाना पड़ेगा। तो वही है कि एक सेकंड, ये होशियार को। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने सेप्टाइल को क्यों रखा हुआ है। सेप्टाइल को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके पास फॉल स्वाइप है, और मैं एक्चुअली थक गया हूँ पोकेमॉन्स को वो करते करते, रेड में लाने के चक्कर में कभी मार देता हूँ, कभी ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो अपन अभी जाएंगे मेरे ख्याल से इसी स्टार पीस हो। ये बहुत सारे सील वील वाले पोकेमॉन मिल रहे हैं भाई यहाँ पे। तो अभी अपने को पता है कि कहाँ पे है सोनिया ने। ओह ये रहा कोबालियन, एक्चुअली मुझे देखना पड़ गया था इसमें यूट्यूब में, और फिर मुझे वो करना पड़ेगा क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता यार। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, और ऐसा लग रहा है कि मेरा सर जो है ना एकदम भारी हो गया है। सॉरी अबाउट दैट, बट वही अपन फॉल स्वाइप कर करके इसकी हेल्थ कम करेंगे। ओ भाई नॉट वेरी इफेक्टिव शॉट डाउन्स। ओके आई होप कि ये बंदा, अरे यार ये पोकेमॉन अपने लिए बहुत खतरनाक है भाया। डस्क बॉल है मेरे पास, मेरे पास और कोई मूव है क्या जिससे मैं अपनी वो बढ़ा सकता हूँ। ब्रिक ब्रेक है अपने पास, एक्स सीजर है, एक्स सीजर से तो कुछ बॉल नहीं होगा। एनर्जी बॉल मार देते हैं इसको थोड़ा सा। अरे मैंने सेव नहीं किया है। ओके एनर्जी बॉल काम कर गया, अच्छी बात है। ओ यार ये वन शॉट कर देगा मुझे अगर एक और बार इसने वो किया, अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है ये। ओके लेट्स होप कि सारी चीज़ें सही जाए, और मेरे ख्याल से ना मुझे इसको पकड़ लेना चाहिए। एक एनर्जी बॉल और मार के देखते हैं, क्रिटिकल नहीं जाना चाहिए, क्रिटिकल गया तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी। यस अब शायद मैं आयरन हेड मारा उसने, ओ तेरी, चलो कोई बात नहीं। मैंने लेवल 95 कर दिया था इसको, और लेट्स होप कि ये फिर से ना मारे। तो मुझे अभी मैक्स पोशन जो है देना पड़ेगा सेप्टाइल को। थैंक यू वेरी वेरी मच सेप्टू। सेप्टू मार के रहेगा भाई, बस दो बार सीक्रेट सॉर्ड यूज़ किया। ओ तेरी यार ये बड़ा कमीना पोकेमॉन है यार, कुर्बानी देनी पड़ेगी लग रहा है मुझे। तो फॉल स्वाइप में मार के देखता हूँ, क्या पता वो पड़ जाए अपना। नहीं क्रिटिकल नहीं पड़ा, नॉट वेरी इफेक्टिव। ओ क्लोज कॉम्बैट, ऐसी तैसी कर दी मेरी इसने, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके तो वही है, फाइटिंग टाइप कर रहा है हमारे साथ। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन लूनाला को निकालते हैं हम लोग एज यूजुअल, भविष्य यूजुअल, और फिर उसके बाद मैं जो है ना इसको कैच करके मिलता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने जो है सेप्टाइल यूज़ करके क्लोज कॉम्बैट मार मार के उसको ऐसी तैसी कर दी है, लेकिन मतलब कि 1 HP पे ले आया हूँ मैं। बट अभी देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं 1 HP वाला मेथड जो है। तो डस्क बॉल जो है, रात का समय है तो मैं डस्क बॉल यूज़ करूँगा। एक्चुअली मुझे टाइम जो है अपने स्विच का चेंज करना पड़ा, और ऑलमोस्ट हैड इट। मुझे ये नहीं पता कि अगर 1 HP रहेगी तो अपने को डस्क बॉल फेंकना ज़्यादा बेटर रहेगा कि नॉर्मल अल्ट्रा बॉल जो है, हु केयर्स। बट वही ये डस्क बॉल एक दो और फेंक के देखते हैं, अगर कैच हुआ तो अच्छी बात है। उड़ू, उड़ू, यस। ओके तो 1 HP करने का बहुत फ़ायदा होता है। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे मेरा जो क्लोज कॉम्बैट है ना उसका जो इफेक्टिवनेस है बढ़ जाए। बट एनीवेज, तो हम लोगों ने पकड़ लिया है अभी कोबालियन को,
और जो तीसरा जो सॉर्ड ऑफ जस्टिस है, सॉर्ड ऑफ जस्टिस बोलते हैं इनको अगर आपको पता नहीं तो। अच्छा फाइटिंग टाइप था और स्टील टाइप था, नाइस। ओके आई डोंट वांट टू गिव यू निकनेम, लेकिन मैं इसका समरी देखना चाहता हूँ। क्या सीन है भाई तेरा, क्या चीज़ तेरा तगड़ा है। डिफेंस और एचपी जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़बरदस्त अटैक कर रहा था, हेडबट मार रहा था मेरी, ऐसी तैसी हो रही थी। हाँ क्लोज कॉम्बैट से भी बताओ मुझे वन शॉट कर रहा था, लेकिन उसका जो मूव है ना ये शॉर्ट डांस, वो बहुत ही इरिटेटिंग है। बड़े हम लोगों ने ये इसको तो पकड़ लिया है। अरे ये क्या है, एक मिनट, ये जीजी वाला बैच क्यों मिला है इसको? व्हाट बैच, बैच बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? अरे सो अभी तीसरा जो पोकेमॉन है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वो वाले केव में, तो वहाँ पे मैं घूमता हूँ उसको देखता हूँ फिर मिलता हूँ। ओके तो मैं यहाँ आ गया हूँ केव में, जहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोगों ने लेजेंडरी बर्ड्स ट्रियो जो है उसको पहली बार देखा था, और यहीं पर यहीं कहीं पे मिलेगा हम लोगों को जो ये है आई थिंक यहाँ पे। हाँ ये रहा सॉर्ड ऑफ, तीसरा सॉर्ड ऑफ जस्टिस जो है टेराकियन, टेराकियन। ओह नाइस, तेरा क्यों हो गया भाई? और भाई अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों को इसको पकड़ने के बाद, क्योंकि बैटल बोरिंग हो जाता है ऑब्वियसली। ओके भाई तो मैंने इसकी एचपी तो वो कर दी है, अब इसमें हिप्नोसिस भी मार देते हैं अपन, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं ट्राई करते हैं डस्क बॉल, क्योंकि रात का समय भी है और ऊपर से ये केव भी है, तो शायद से अपने को बहुत ही फ़ायदा होगा। अपना जो ये है सेप्टाइल है भाई, बहुत काम का पोकेमॉन है, पोकेमॉनो सिंह है पूरा, मज़ेदार चीज़ है स्पेशली फॉल स्वाइप के लिए। और क्या हो रहा है कि टेराकियन जो है ना बार बार जब भी वो मार रहा है तो क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से क्लोज कॉम्बैट है या सेक्रेट सॉर्ड है, उससे उसकी जो हेल्थ सॉरी डिफेंस है वो कम हो रही थी, और उसके बाद मैं फॉल स्वाइप मार रहा था तो काफ़ी असर हो रहा था मुझे। अरे विश्व भी डस्ट बॉल अपन फेंकते रहते हैं, और जैसे ही मुझसे कैच हो जाएगा मैं मिलता हूँ, तो तीनों सॉर्ड्स ऑफ जस्टिस को हम लोग कैच कर पाएंगे। फिर उसके बाद शायद कुछ एक और वो है, वो उसके बारे में मैंने आगे नहीं देखा क्योंकि स्पॉइलर लेना नहीं चाहता था, तो वही है इसको कैच करके मिलते हैं अपन। ओ भाई 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 99। ओके तो तीनों जो सॉर्ड्स ऑफ जस्टिस है उनको तो पकड़ लिया है, अब हमें चलना है फटाफट सोनिया देवी के पास। ओ सारे लोग लेवल अप हो गए, व्हाट मज़ा आ गया, लोग लेवल अप हो गए। पहले इसके स्टैट्स देख लेते हैं अपन, मस्त टाइप से। अच्छा रॉक फाइटिंग है इसलिए मेरे सेप्टाइल को बहुत डैमेज कर रहा था ये, फाइटिंग टाइप मूव से शायद। ओके फाइटिंग टाइप मूव से या इससे कर रहा था पता नहीं, एनीवेज तो मैं नूब हूँ तो मुझे कुछ नहीं देखना है उसमें। इसके स्टैट्स थोड़े अच्छे हैं यार, स्पेशली इसकी एचपी ज़बरदस्त है, अटैक भी काफ़ी अच्छा है। ओके नॉट बैड एक्चुअली। जी जी इसको भी कुछ रबर वबर मिले, सॉरी रिबन विबन मिलेगा, रबर बोल रहा हूँ मैं भी। ओके नो आई वॉन्ट टू सेंड हिम टू द बॉक्स। तो अभी सोनिया देवी से मिलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस हम लोग आ गए यहाँ पर सोनिया के पास, तीनों सॉर्ड्स ऑफ जस्टिस जो है उनको हम लोगों ने कैच कर लिया है। लेट्स सी कि सोनिया क्या बोलती है। नो वे दैट इजंट दैट आयरन विल पोकेमॉन कोपालियन, बैंग अप जॉब जियो, क्या बात है, खुश हो रही है लड़की मेरे लिए। एंड विस इस बार रिवॉर्ड में मुझे सड़ा सा कैंडी मत देना, अच्छा वाला कैंडी देना प्लीज, आई न्यू यू कुड डू इट। शुगर देयर आई गो अगेन, बट इट्स सो हार्ड टू कंटेन माई एक्साइटमेंट, हियर टेक दिस फॉर गिविंग मी अ चांस टू सी द लेजेंडरी पोकेमॉन इन द फ्लैश। ओके इस बार थोड़ा सा बेटर कैंडी दी है। जस्ट वन मोर पर्सन यू हैवन ट्रैक्ड येट, होप इट ओके। तो मैंने किया तो है भाई। दैट पोकेमॉन आई न्यू इट, दैट्स अ कैवन पोकेमॉन टेराकियन, टेराकियन वी डिड इट, दिस इज जस्ट अमेजिंग, हु इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेसर इन गैलार नाउ। ओके डोंट टेल मी ग्रैंड, आई सेड दैट वुड यू। ओके मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ पता नहीं। एक्चुअली गाइस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अभी ख़राब हो गई है और मुझे बोलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं फिर भी बोले जा रहा हूँ। बट आई कूडेंट बी हैप्पियर अबाउट वॉट वी हैव डन हियर, आई होप यू विल टेक दिस एज अ लिटिल रिवॉर्ड। तो लार्ज कैंडी दिया है उसने 10, अच्छी बात है हम लोग को काम आएगा। इट्स ऑल थैंक्स टू जियो दैट आई वॉज एबल टू प्रूव माई थ्योरी वॉज करेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके यू विल मेक अ फर्स्ट रेट असिस्टेंट फॉर माई वर्क इफ यू वरंट ऑलरेडी द चैम्पियन,
You know, there's an old legend about Cobalion, Terrakion, and Verizion. It said that to protect their allies, they waged battle against humans. Humans, so भाई ये मतलब आगे चल के ऐसा होने वाला है ना कि हम लोग इतने सारे घोड़े वोड़े को मार देंगे ना कि घोड़े लोग हमें मारना चालू कर देंगे, ऐसा लग रहा है. एक दिन रिवोल्ट कर लेंगे, घोड़ा या मुर्गी ये सब लोग. Argus went to destruction, and ever since then, they have kept themselves apart from humanity. Okay, but the fact remains that they agreed to become your Pokemon, Sio. I guess maybe they are willing to give humanity another chance. Achha, abhi ek aur chance dena chahte hain wo log. It warms my heart a bit, doesn't it? Now then, enough dithering about. I've got to go back to the home to write. It's all seeing you around, catching cold in the freezing place. Have fun. Thank you so much, Sonia. Puppy expect kar raha tha, lekin mujhe mila nahi. Come on, Yamper. You and me are heading out. Hey, Yamper, tere papa ke Yamper. Work. Wah, wah. Line mar please mere ko. Okay, line nahi marwayenge hum log. तो मैंने जो है एक चीज़ देख लिया है जो इम्पोर्टेंट है फोर्थ जस्टिस के लिए. फोर्थ क्या बोलते हैं, सॉर्ड ऑफ जस्टिस के लिए. तो हमें उसके लिए आई थिंक ये यहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पर जाना पड़ेगा. अरे यार ये स्नैप करते जा रहा है. ये छोटा सा गोल सा आइलैंड दिख रहा है ना, वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं. एनीवेज तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं. और कहाँ से उतरना है भाई, पानी के अंदर. पानी के अंदर से होते हुए जाते हैं. आई थिंक ये वाला है, वो सामने एक आइलैंड दिख रहा है मुझे. अच्छा अरे बस्कुलिन बस्कुलिन, इतने सारे नालायक पोकेमोन यहाँ पर है ना, इनको पकड़ चुका हूँ ना तो मुझे मज़ा भी नहीं आता इनको देखकर. ठीक है तो यहाँ कहीं पे, ओह शिट, डर गया था मैं. सेप्टाइल कहाँ से आ गया करके. ओह एनर्जी बॉल, मेरे पास ऑलरेडी सेप्टाइल को सिखाया हुआ है मैंने. ओके नाइस. ओ एक सेकेंड एक सेकेंड, ग्लारियन ट्विग. ओके तो यहाँ पर आ गए, एक सेव मार लेते फटाफट. ए ओके डेस में सेव नहीं मारते भाई FFG. मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा मेरी आवाज़ के साथ साथ. ओके सेव कर लेते हैं अपन. ओके सॉरी अबाउट दैट. रेयर कैनिबल. ओके तो यहाँ पर एक पॉट दिया हुआ है और यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है. ओके अजीब सा कोई एविडेंस है और एक पॉट दिया हुआ है. तो मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे कैंपिंग करके कुछ डिश बनाना है ताकि वो पोकेमॉन जो है खींचा चला आए. किचन किंग हो या रिंगी मसाला टन टन टन. कैसे बनाते हैं भाई खाना, एक्स मेन्यू में जाके कुकिंग में जाते हैं. मुझे 4 करोड़ साल हो गया मैंने खाना नहीं बनाया. अरे लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मुझे अपने सॉर्ड्स ऑफ जस्टिस को साथ में रखना है क्या. एक मिनट मैं जस्ट ओए यस डू यू वांट टू कीप क्विट कैंपिंग. मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी मैं काम करता हूँ जितने भी अपन ने. अरे टाउन मैप में नहीं जाना है यार, मैं क्या इरिटेटिंग इंसान हूँ यार. सॉरी मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ फालतू का. एनीवेज ओके तो ये तीनों जो है हमें इनको रखना पड़ेगा. मूव करते हैं हम लोग सेप्टोस की जगह पे, जगह जगह पे. और मेरे ख्याल से सेप्टाइल का भी टाइम आ गया, सेप्टाइल को भी हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए. और मूव करते थे हम लोग अपने रेजी रॉक को. बाकी पोकेमॉन मुझे अच्छे लगते हैं करके मैंने उनको रखा हुआ है, कैलिरैक्स लूनाला और रेजी इलेक्की को. ओके इलेक्की कर दरिया में डाल. लेट्स डू सम कैंपिंग ओवर हियर और कुछ अच्छा सा डिश बनाते हैं. एक्चुअली मुझे लगता है कि डिश कोई भी हो रहा. ओ भाई देख रहे हो ये काफ़ी लूनाला से भी बड़े हैं क्या ये लोग. नहीं ओ लूनाला से बड़े हैं यार ये लोग. कैसी कैसी आवाज़ आ रही है ना. अरे सारे अच्छे अच्छे पोकेमॉन यार, आई लव दिस. वो क्या बोलते डीएलसी. सॉरी ओके चेक इंग्रेडिएंट, चेक करिए स्टार्ट कुकिंग. ओके तो हम क्या बनाएंगे आज, कुछ चटपटा बनाया जाए. ब्रेड यूज़ कर लेते हैं हम लोग. फिर उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, लपल्ला वेरी कर लेते थोड़ा सा. एक मैं रैंडमली डाल देता हूँ मांगो बेरी. ओ भाई ये तो
किसी के नाखून के जैसा दिख रहा है, और ओरन बेरी भी डाल देते हैं, थोड़ा सा हेल्थ वेल्थ बढ़ जाएगा अगर चाहिए रहेगा तो। वुड यू लाइक टू स्टार्ट कुकिंग? यस। तो मेरे ख्याल से इसका कुकिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हम लोग कोई भी डिश जो है वो कुक करनी है। और ओके स्टार्ट फैनिंग, ए दबा के। ओके ओके, या तो ए दबाओ या फिर वो हिलाओ कंट्रोलर को। मेरे ख्याल से कुकिंग में जो स्टार्स निकलते हैं वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जल मत जाए भाई मेरा खाना। ओह ये देखो खींचा चला आया है लड़का। ओके तो स्टरिंग करते हैं थोड़ा सा, जब तक ये स्टार्स नहीं निकलते। दो स्टार, तीन स्टार्स। ओह भाई मस्त वाले स्टार्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो फेंका तो नहीं रहा ना मेरा करी बाहर, कितने देर तक खेलाऊँ। नाइस, बहुत सारे स्टार्स मिल रहे हैं अपने को। ओके मेरे ख्याल से मैं अगर सर्कल पे, ग्रीन सर्कल पे अगर मैंने वो किया, आई डोंट नो। ओ कुछ हुआ, बहुत सारा स्टार निकला। डन डन हो गया। आ गए खबड़े लोग मेरे पोके पास। लोग स्वीट टोस्ट करी, ओहो डिलीशियस दिख रहा है तो बहुत। ओहो गोल्डन ऑरा, व्हाट पीछे गोल्डन ऑरा क्यों है? मिल्सरी क्लास छी। मैं सोच रहा था मुझे 4000 क्लास व्लास कुछ मिलेगा क्या। एनीवेज तो ये मेनू ये तो मैंने कर लिया है। मेरे ख्याल से मुझे अभी कैंप आउट करना पड़ेगा, कैंप वो करना पड़ेगा। पोकेमोन एंजॉयिंग कैंपिंग गेन सम एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके गाइस तो ये जो है ये फोर्थ सॉर्ड ऑफ जस्टिस है, मुझे नाम इसका पता नहीं है लेकिन हमें कैच करना है, है ना। तो इसके लिए मैं पोकेमोन में से मेरे ख्याल से मुझे ये रख लेना चाहिए अपने छोटू को, और रेजी लेके की जगह में रख रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से वाटर टाइप है ना, इलेक्ट्रिक नहीं रखूँगा, इलेक्ट्रिक से वो हो जाएगा। और फॉल्स स्वाइप है हमारे पास यहाँ पे। एक फटाफट छोटा सा एक सेव करते हैं हम लोग, ताकि मैं कुत्तों की तरह मार ना दूँ उसको और मिस ना हो जाए। यानी बस कुत्तों की तरह नहीं मारेंगे हम लोग। ओह माई गॉड मेरी हालत ख़राब है। कैलडियो ओके, अरे कोबैलियन, अच्छा मैंने ओके ऊपर नहीं बनाया था। पोकेमोन स्विच करते हैं हम लोग, सेप्टाइल को लेके आते हैं। कहाँ से यार फॉल्स स्वाइप नॉर्मल टाइप मूव ना होता, कोई बात नहीं। हाइड्रो पंप मारा उसने, अवॉइडेड द अटैक, थैंक यू सो मच। फॉल्स स्वाइप मारेंगे हम लोग क्योंकि इफेक्टिव है। कितनी छोटी सी पोनी है ना ये पोनेश्वरी। मारती जबरदस्त है ये, लेकिन कोई बात नहीं। अपन फॉलो फॉलो स्वाइप करेंगे, फिर लोनाला जो है उसको बुलाकर इसको थोड़ा स्लीप फ्लिप करा के डस्क बॉल वॉल फेंक कर अब लोग पकड़ लेंगे। तो भाई ये फॉल स्वाइप एक बार आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये है छोटू वो हाइड्रो पम्प फाइनली यूज़ कर पाया वो। नाइस, पूरा मत मार देना मेरे को, थैंक यू वेरी वेरी मच मेरे पेड़ वाले ग्रास वाले पोकेमोन को पानी देने के लिए। आई थिंक एक और शॉट अगर कर पाए, वो सीक्रेट शॉट मार दिया उसने। चलो कोई बात नहीं, एक शॉट मार सकते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग लुडाला को बुला लेंगे। नाइस, गैस उसकी HP 1 हो गई है। हगरू पंप मार दिया उसने। ओह थैंक यू सो मच, वैसे भी मुझे स्विच करना ही था। ओके लेट्स कॉल लुनाला। लुन्नू आ गया, लुन्नू इतना गंदा साउंड करता ना लुन्नू। ओके तो अभी इसको अपन हाइपनोसिस देंगे, एक छोटा सा हाइपनोसिस का डोज देंगे। अवॉइड मत करना प्लीज़। अरे ये लड़की बहुत अवॉइड कर रही है आजकल। अरे यार ये अटैक बढ़ाई जा रही है। कोई नहीं कोई नहीं, अपने को एक ही शॉट चाहिए हिप्नोसिस का, फिर उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम जो है चालू कर सकते हैं। ओह सो गई लड़की। ओके तो अभी ये सोई हुई भी है, और ऊपर से इसका जो HP है 1 है, तो अभी डस्क बॉल से शायद काम चल जाना चाहिए फटाफट। मेरे ख्याल से 4-5 डस्क बॉल में हो जाएगा, और अगर किस्मत हमारी अच्छी रही तो 1-2 में भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं। ओ वेक अप, इतने जल्दी कैसे जा गई। एनीवेज गाइस मैं इसको कैच करके मिलता हूँ आप लोगों से। ओह माय गॉड फाइनली
तो मुझे 4 डस्क बॉल की ज़रूरत पड़ी इसको कैच करने के लिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस वही है एक बार और मुझे सुलाना पड़ा इसको, और कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने फाइनली जो चारों सॉर्ड्स ऑफ जस्टिस है उनको पकड़ लिया है। नो आई डोंट वांट टू गिव यू अ निकनेम, मेरे ख्याल से ये वाटर टाइप है ना। लेट्स सी इसके स्टैट्स देख लेते हैं हम लोग। वाटर फाइटिंग है। ओके, तो सारे जो सॉर्ड्स ऑफ जस्टिस है वो फाइटिंग टाइप ही है, बट अलग अलग वाटर, ग्रास, रॉक और ओबालियन कौन सा था, स्टील टाइप था क्या, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। ओके, तो इसके ठीक है, अच्छी बात है। अरे गाइस, सो हमारा जो आज का मेन काम था वो था कि सॉर्ड्स ऑफ जस्टिस है उसको पकड़ना। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जो क्लू मिला है हमें, एक नया जो टनल, टनल नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एक वो खुला है कुछ, क्या बोलते हैं यार उसको, यार मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, पता है मैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी। ओके, कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस इस पार्ट को देखने के लिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। कल मैं और भी एपिसोड्स नहीं डाल पाऊँगा, मेरी तबीयत अगर ठीक होती है तो मैं दोपहर को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा जो एज ऑफ कैलामिटी है उसको, बट अगर नहीं होती तो शायद परसों भी पोकेमोन की कोई भी एपिसोड नहीं आएगी। कल तो ज़रूर आएगी क्योंकि मैंने सवा दो दो घंटा कुछ वेस्ट किया है इसमें, वेस्ट नहीं मतलब यूज़ किया है। बड़े गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को मिलता हूँ मैं कल, बाय।